हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसा वाला जेई। सो गाइस, आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ कि सेम ईयर में 75% क्राइटेरिया पूरा करने के लिए क्या करना होगा। तो देखो, आज के इस वीडियो में तुमको बिल्कुल जुगाड़ू तरीका बता रहा हूँ, जिसके जरिए तुम अपना 75% का जो क्राइटेरिया है वो पूरा कर सकते हो। देखो, तुमको पता होगा कि काफी बच्चे हैं जो अपने IIT जेई एग्जाम के लिए तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन यार कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ बच्चों के जो परसेंटेज हैं वो थोड़ा क्या है कम रह जाते हैं 75% से। तो वैसे में वो अपने मार्क्स को 75% करना चाहते हैं कि 75% हो जाए और मेरा जो ड्रीम कॉलेज है NIT, IIIT, IIT कॉलेज, ऐसे कॉलेजेस मुझको मिल जाए। तो बात करते हैं उस तरीके की। तो देखो, वो तुम्हारा जुगाड़ू तरीका है, वो है तुम्हारा NIOS बोर्ड। देखो, तुम क्या कर सकते हो, तुम NIOS बोर्ड से सेम ईयर में अपना परसेंट इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसके लिए तुमको क्या करना होगा, इसके लिए तुमको ऑन डिमांड एग्जाम देना होगा। अब जैसे तुमको पता है कि तुम्हारे मार्क्स कम है, तो सबसे पहले तुमको ये आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारे मार्क्स किस सब्जेक्ट्स में कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुमने आइडेंटिफाई किया कि तुम्हारा मार्क्स केमिस्ट्री में बहुत कम है, तुमने आइडेंटिफाई किया तुम्हारे मार्क्स फिजिक्स में बहुत कम है, तो तुम क्या कर सकते हो, तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो एग्जाम है वो तुम NIOS बोर्ड के थ्रू क्या दे सकते हो, और सेम ईयर में तुम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुमको एक साल बर्बाद करना पड़ेगा, यही NIOS बोर्ड की क्या खासियत है। तो एक ये बहुत अच्छा जुगाड़ू तरीका है, जिसके द्वारा तुम क्या है सेम ईयर में अपने रिजल्ट को अच्छा कर सकते हो। और देखो, NIOS बोर्ड में तुमको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि जो तुमने सिलेबस पढ़ा हुआ था उसका जो लेवल है वो कहीं ना कहीं क्या टफ है, लेकिन NIOS बोर्ड का लेवल क्या थोड़ा इजी है। NIOS बोर्ड में जो डेरिवेशंस वगैरह हैं वो कम है, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, तो इससे तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो कम पढ़कर भी तुम क्या है अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम है, तो डेफिनेटली ऑन डिमांड एग्जाम का जो फॉर्म होता है NIOS बोर्ड का, उसको सबसे पहले क्या तुमको फिल करना है, और तुम एटलीस्ट ये डिसाइड कर लो कि जो NIOS बोर्ड का फिजिक्स का सिलेबस है, केमिस्ट्री का सिलेबस है, या फिर तुम किसी अदर सब्जेक्ट में लेना चाह रहे हो, उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो क्या है, और उस सिलेबस को आप कितने दिन में पूरा कर सकते हो। अगर आपको पता है कि भाई मैं सिलेबस को एक महीने में पूरा कर लूँगा, तो भाई एक महीने बाद की डेट को क्या सिलेक्ट कर लेना है ऑन डिमांड एग्जाम में। अगर तुमको लगता है कि दो तीन महीने लग जाएंगे, तो दो तीन महीने बाद की जो डेट होगी उसको तुम क्या सिलेक्ट कर लेना। अब काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि सर, एक हमारे प्रीवियस बोर्ड की मार्कशीट होगी, एक हमारे NIOS बोर्ड की मार्कशीट होगी, भाई कौन सी वैलिड होगी। तो देखो, तुमको बताना चाहूँगा कि जो तुम्हारे प्रीवियस बोर्ड की मार्कशीट है, फॉर एग्जाम्पल तुम CBSE बोर्ड में हो, या फिर ISC बोर्ड में हो, या फिर UP बोर्ड में हो, या फिर तुम महाराष्ट्र बोर्ड में हो, तो जो तुम्हारे प्रीवियस बोर्ड की मार्कशीट होगी उसके जो अदर सब्जेक्ट होंगे जिसमें तुमने एग्जाम NIOS बोर्ड में नहीं दिया है, तो जो प्रीवियस सब्जेक्ट होंगे जिसके तुमने एग्जाम नहीं दिया है, तो उन सब्जेक्ट के मार्क्स तुम्हारे जैसे के जैसे क्या है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे तुम्हारे NIOS बोर्ड की न्यू मार्कशीट में। और जैसे तुमने दो सब्जेक्ट का पेपर दिया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो उनके जो भी तुम्हारे मार्क्स आएंगे वो तुम्हारे मार्क्स क्या है वहाँ उन सब्जेक्ट में चढ़ा दिए जाएंगे। तो एक ओवरऑल तुम्हारी क्या न्यू मार्कशीट बन जाएगी, और वही मार्कशीट तुम्हारी क्या है एक वैलिड मार्कशीट होगी। तो एक ये बहुत अच्छा तरीका है और जेन्युइन तरीका है, जहाँ से आप क्या है अपने मार्क्स को क्या इम्प्रूव कर सकते हो। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर, NIOS बोर्ड क्या वैलिड है कि नहीं, तो डेफिनेटली यार वैलिड है, क्योंकि यार भारत सरकार के द्वारा जो बोर्ड रन हो रहे हैं वो वैलिड है। और देखो, JEE का जो फॉर्म आता है उसमें क्लियरली लिखा रहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आपने 12th पास आउट है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, तो आप JEE मेन के लिए क्या एलिजिबल हैं। तो जब नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है, तो यार तुम डेफिनेटली कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो तुमको ये वीडियो कैसा लगा जरूर और जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और NIOS बोर्ड के रिगार्डिंग अगर तुम्हारा कोई भी कंफ्यूजन है, या NIOS के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हो, या तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं, तो तुम्हारे डाउट्स के ऊपर हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें NIOS बोर्ड के जितने भी डाउट्स रहते हैं बच्चों के, वो सारे डाउट्स के ऊपर वीडियो अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप NIOS बोर्ड प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां जाकर सारे वीडियोस को देखकर अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं,
और अगर कोई प्रॉब्लम है डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड है जो आपसे बहुत प्यार करता है तो डेफिनेटली उस फ्रेंड को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि उसकी भी हेल्प हो सके और उसके अगर परसेंटेज वगैरह कम है तो डेफिनेटली जरूर शेयर करिए। तो चलिए आज की वीडियो हम यही एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।